ठाणे नासिक अमरावती समेत महाराष्ट्र के इन सीटों पर नहीं बन पा रही बात, महायुति में छिड़ी महाभारत। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में सीटों को लेकर महाभारत इतनी जोर से जारी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची में न तो अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम घोषित कर पाए और न ही अपने गृह नगर ठाणे की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर पाए हैं। शिवसेना में विभाजन से पहले ही ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से शिवसेना की ही हैं, लेकिन शिवसेना टूटते ही बीजेपी ने इन दोनों में से एक सीट की डिमांड शुरू कर दी है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे रखें और किसे छोड़ें। कल्याण में भीतर घात का खतरा, कल्याण डोंबिवली में श्रीकांत शिंदे को इस बार बीजेपी से भीतर घात का खतरा है। बीजेपी के नेता भले ही ऊपर ऊपर श्रीकांत शिंदे के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के पुलिस स्टेशन में फायरिंग प्रकरण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग अंदर ही अंदर श्रीकांत शिंदे के खिलाफ काम कर रहा है। इधर मनसे का रुख भी श्रीकांत शिंदे को लेकर अब तक बहुत सकारात्मक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण डोंबिवली में से कोई एक सीट बीजेपी के लिए नहीं छोड़ी तो ठाणे और कल्याण डोंबिवली के बीजेपी कार्यकर्ताओं का चुनाव के दौरान घर बैठ जाने का अंदेशा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद थाने के सांसद राजन विचारे शिंदे की बगावत में शामिल नहीं हुए और अब तक उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने उन्हें इस बार भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वे तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। थाने में उनका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहीं शिंदे अब तक अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बीजेपी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। थाने में बीजेपी के 3 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक का बीजेपी को समर्थन है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर थाने के नेताओं का काफी दबाव है। त्रिकोण में फंसी नासिक सीट पर शिंदे गुट के मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे दो बार मुंबई आकर शिंदे के समक्ष शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन शिंदे पहले लिस्ट में उनका नाम घोषित नहीं कर पाए। लिस्ट जारी करने के 2 दिन बाद भी उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो बीजेपी इस सीट पर दावा कर रही थी, अब एनसीपी अजित पवार गुट भी दावा कर रहा है। कहा जा रहा है कि एनसीपी ने अपने कोटे की सतारा लोकसभा सीट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले के लिए बीजेपी को दे दी है। हालांकि एनसीपी चाहती थी कि उदयन राजे उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, परंतु उदयन राजे बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लिहाजा सतारा सीट के बदले में एनसीपी नासिक की सीट मांग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।